सभी को। आज हम कक्षा 7 का मंगलम पुस्तक का पहला ही पाठ है। मंगलम, किसी भी काम को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं कि हमारा ये जो काम है उसको सकुशल संपन्न किया जाए, तो हम ईश्वर से कामना करते हैं। इसमें एक बात बताइए कि पृथ्वी, आकाश, रात्रि, दिन, सूर्य, चंद्रमा, सत्य असत्य सब कुछ, कोई भी लोग डरता नहीं है, तो हमें भी डरना नहीं चाहिए। देखो इसमें बताया है, यथा द्योश्च पृथ्वी च न विभेति न रिशति, अर्थात जिस प्रकार, यथा माने जैसे, द्यो माने होता है आकाश, पृथ्वी मानी धरती, जिस प्रकार से आकाश और धरती ना तो डरते हैं और ना कभी रिश्यति, ना कभी दुखी होते हैं, उसी प्रकार है मेरे प्राण आप डरो मत। फिर एक उदाहरण और दिया है, यथा हैश्च रात्रिश्च, अर्थात अह माने होता है दिन, रात्रि मानी रात्रि, रात्रि और दिन ये दोनों भी ना तो डरते हैं और ना दुखी होते हैं, उसी प्रकार है मेरे प्राण आप भी डरो मत। फिर एक उदाहरण और दिया है, यथा सूर्यश्च चंद्रश्च न विभेति न रिशति, अर्थात सूर्यश्च चंद्रश्च, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों भी नहीं तो डरते हैं और न ही रिशति माने दुखी होते हैं, तो हे मेरे प्राण आप भी ना तो डरो और ना दुखी हो। फिर कहा, यथा सत्यम च नानृतम, सत्यम चांद्रितम, अर्थात सत्य और अनृत झूठ न विभेति, सत्य भी नहीं डरता और झूठ भी नहीं डरता और न रिश्यति दुखी होते हैं, उसी प्रकार है मेरे प्राण आप भी डरो मत। इनका हिंदी में नीचे अर्थ दिया है, किस प्रकार से है, जैसे आकाश और पृथ्वी दोनों न डरते हैं और न दुखी होते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू डर मत, मत डर, जैसे दिन और रात न दुखी होते हैं और न डरते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू मत डर, जैसे सूर्य चंद्रमा न दुखी होते हैं न डरते हैं, वैसे ही हे मेरे प्राण तू मत डर, जैसे सत्य और असत्य न दुखी होते हैं और न डरते हैं, वैसे ही हे मेरे प्राण तू डर मत। इस प्रकार से इसमें ये मंगलाचरण किया गया है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन